चलो अच्छा हुआ सर, मैंने खुद टूफ्रेंड टेस्ट के लिए परमिशन दे दी। वैसे मुझे सर सरा भी विश्वास नहीं हो रहा है सर, वो एक शक के आधार पे मुंबई कैसे जा सकता है कोई? अब माई पे टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि टेस्ट सीरम के भारी डोज से माई की हालत और भी खराब हो सकती है, और मैं नहीं चाहता कि उस टेस्ट सीरम की वजह से माई की तबीयत और ज्यादा खराब हो। मन तो कर रहा है कि कल्याणी पे टेस्ट करो, पहले भले ही कुछ ना जानती हो लेकिन अब मुझे उस पे शक हो रहा है। लेकिन परेशानी यह है कि बार बार कल्याणी पे भी टेस्ट करूंगा तो उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती है। सर एक बात बोलूं सर, सर सब कहते हैं कि आप बदल गए हैं, लेकिन सर आज भी मुझे वही मल्हार सर नजर आ रहे हैं सर, जो सबका सबकी चिंता रखते हैं सर। इन बातों का कोई मायने नहीं है पवार, अगर मायने हैं तो सिर्फ इस बात के माई और कल्याणी ही जानते हैं कि संपदा और अथर्व कहाँ हैं। भले ही मैं उन पर टेस्ट ना कर सकता हूँ लेकिन संपदा तक तो हमें वो दोनों ही पहुँचाएंगे। सर एक बात बोलनी थी, आज सुबह मैंने विवेक भाऊ को दिवेकर सेठ से कुछ कागज लेते हुए देखा था और लग रहा था जैसे वो कुछ विनती कर रहे हैं। सर दिवेकर सेठ अच्छे आदमी नहीं है सर, सर उनके खिलाफ 2-3 बार पुलिस कंप्लेन हो चुका है। मेरा शक पक्का हो गया है पवार, पल्लवी मामी और विवेक मामा माई को किडनी बेचने के लिए ही मुंबई लेके जा रहे थे, लेकिन दिवेकर का इसमें क्या हाथ हो सकता है? पता नहीं मामा को उसने कौन से कागज दिए होंगे, पता करना पड़ेगा। वैसे किसी और के मोबाइल में छानबीन करना ठीक नहीं है, लेकिन ये पता करना भी तो जरूरी है कि कहीं पल्लवी की अथर्व और संपदा से तो कोई बात नहीं हो रही। यहाँ तो अथर्व और संपदा के नाम से कोई फोन नहीं है। पता नहीं कल्याणी को अपर्णा के पास से कोई सबूत मिला या नहीं। वैसे तो रोज अपनी खिड़की खुली रख के सोती है, लेकिन आज जब मुझे उनका फोन है ना, तभी अपनी खिड़की बंद करके सो रही आंत्या। हुसैन के कमरे के बाहर चोर, लेकिन आप डरिए मत, मैंने भगा दिया उसे। कल्याणी, I'm so proud of you, I'm so proud of you। मल्हार जी, आपको पता है अभी क्या हुआ? अभी ना उसे आपके कमरे के बाहर चोर आया था, लेकिन मैंने उसे भगा दिया। अरे उसको ऐसे मारा ना, अब
मैं कराटे जानती हूँ ना, एक किक तो उसको ऐसे मारी सीधा 5 मीटर दूर जाके गिरा वो बेचारा। चोरी करने आया था, मैंने उसको हॉस्पिटल भेज दिया। अच्छा, और ये कंबल उसके सर से गिरा ही नहीं ना, 5 मीटर दूर जाके गिरा। अरे ये तो वो चोर की शॉल है। मत इसका मतलब आप वो चोर थे? हाँ, लेकिन मल्हार जी आपको चोरी करने की क्या जरूरत, आपके पास तो इतने सारे चिल्लर थे। तभी मैं सोचूं कि आपकी जीप आ गई लेकिन आप नहीं आए। एक सेकंड, आप तहकीकात करने तो नहीं गए थे? ओ, अब समझी। आपको अभी भी शक है कि आई की संपदा से बातचीत है, इसलिए आप उनके रूम में चोरों की तरह तहकीकात करने गए थे, है ना? तहकीकात करने जरूर गया था, लेकिन माई के खिलाफ सबूत ढूंढने नहीं गया था। मुझे पूरा शक है कि पल्लवी मामी और विवेक मामा झूठ बोल रहे हैं। और आज विवेक मामा ने एक ऐसे साहूकार से कागज लिए जिसके ऊपर ऑलरेडी 3-4 पुलिस केस दर्ज हैं। मैं बस जानना चाहता था कि वो कागज किस चीज के हैं, ताकि अगली बार माई की जान को खतरा ना हो। लेकिन आप तो पुलिस वाले हैं, आप ऑफिशियली वारंट लेके भी तो तहकीकात कर सकते थे। बहुत समझदार समझती हो ना तुम अपने आप को, इतना भी नहीं जानती कि अगर मैं ऑफिशियली वारंट लेकर आऊंगा तो विवेक मामा और पल्लवी मामी चौकन्ने हो जाएंगे। बड़ी आई बेवकूफ कहेगी। चलो, एक अच्छी बात तो पता चली कि आपके मन में आई के लिए अभी भी फिक्र है। माई का तो पता ही, लेकिन अभी कंधे की फिक्र जरूर है मुझे। मैंने आपको ज्यादा जोर से मार दिया ना, सॉरी। मैं ना बाम लगा लेती हूँ, एक सेकेंड। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। थैंक यू दाई, आपको तो पता ही है ना कि आजकल ये लैपटॉप कितना इम्पोर्टेंट हो गया है। पर आओ साहब को ना पसंद नहीं है कि घर में लड़कियां ये लैपटॉप यूज करे। हाँ मैं समझती हूँ, लेकिन तुम्हें याद है ना मैं ये लैपटॉप तुम्हें पढ़ाई करने के लिए दे रही हूँ, टाइम पास के लिए नहीं। हाँ पता है, लेकिन आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल कुछ दिन के लिए तो मैं सस्पेंड हो चुकी हूँ कॉलेज से, तो कुछ दिनों तक तो जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तुम जाओ ना, इस लैपटॉप को छुपा दो। हाँ, हाँ। जाओ जाओ जाओ, टाइम पास नहीं। कल्याणी, पल्लवी चाची के मोबाइल में कुछ मिला? नहीं। और अपना ताई के? अरे वो तो अपना मोबाइल छोड़ती ही नहीं है, मुझे मौका ही नहीं मिल रहा उनका मोबाइल लेने का।
नमस्कार, ये देशमुख परिवार है ना? जी। आप कौन? मैं ग्राम पंचायत से आई हूँ और देशमुख परिवार में कुल कितने सदस्य हैं उसकी पुष्टि करने आई हूँ। हमारे देशमुख परिवार में 7 सदस्य हैं। 7? लेकिन हमारी सूची के हिसाब से तो 8 सदस्य होने चाहिए। आपके देशमुख परिवार में एक नए सदस्य की नोंद हुई थी ना? नहीं नहीं, आपसे कुछ गलती हो रही है। हमारे देशमुख परिवार में 7 ही सदस्य हैं। आओ साहब, शायद इन्होंने कल्याणी का नाम भी देशमुख परिवार की सूची में जोड़ दिया होगा। देशमुख परिवार में 7 सदस्य हैं। राव साहब देशमुख, अहिल्या देशमुख, विवेक, पल्लवी, गोदावरी, नल और अनुप्रिया। लेकिन हमारे सूची के हिसाब से 8वां सदस्य होना चाहिए। मैं अपना सरनेम तुम्हारे नाम से हटा रहा हूँ, अब तुम सिर्फ कल्याणी देशमुख रहोगी। लीजिए, हो गया। आज से आपका नाम मल्हार देशमुख। आपसे कुछ गलती हुई है, यहाँ और कोई देशमुख नहीं है। तो क्या मल्हार देशमुख यहाँ नहीं रहते? मल्हार देशमुख? देखिए, वो नाम गलती से ऐड हो गया है, 1 महीने में हट जाएगा। आप प्लीज रजिस्टर से नाम हटा दीजिए। बहुत हंसी आ रही है, कल रात के बाद तुम्हारी कुछ ज्यादा हिम्मत नहीं बढ़ गई है? सॉरी मल्हार जी, बस थोड़ी सी हंसी आ गई। थोड़ी हंसी आ गई? अगली बार मुझ पे हंसने के लिए मुझसे परमिशन लेना। मल्हार जी छोड़िए, से दिखाइए, कान दर्द हो रहा है। मैं बाम लगा दूं या फिर गर्म पानी से सिकाई कर दूं? बताइए कहां दर्द हो रहा है। ये कल्याणी तो हाथ धोके मेरे दामाद के पीछे पड़ गई है, लेकिन मैं भी संपदा के लिए इस घर में जगह बना के रहूंगी। एक दूसरे के करीब नहीं आने दूंगी मैं इन्हें। हेलो, जैन सर। जी सर, 26 जनवरी की परेड के लिए मिनिस्टर साहब के सिक्योरिटी का बंदोबस्त मैंने कर दिया है। हाँ सर, वो सिक्योरिटी की फाइल मेरे पास ही है। ठीक है, आज मीटिंग में लेता आऊंगा। जी नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही रहेगी। यार पहलू, अब मुझे हंसने के लिए भी एटम बम की परमिशन लेनी पड़ेगी। ये एटम बम खुद को समझते क्या है? क्या छोड़, भूख लगी है तुझे? भूख लगी है ना? रुक जा, मैं दूध लेके आती हूँ गर्म करके। जी सर, एज यू विश। जय हिंद सर। कल्याणी, कचरे की गाड़ी कब से बाहर खड़ी है? तो एक दिन कचरा आप नहीं फेंक सकती? आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही है। हाँ ठीक है,
ये कचरे की थैली मैं यहीं फेंक देती हूँ। मल्हार मुझसे पूछेगा, कह दूंगी कि तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी थी, ठीक है? देवा लक्ष्य ठेवा, ये क्या किया तुमने कल्याणी? मल्हार के काम के कागजात तुमने कचरे में फेंक दिए। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। आई गलत बोला ना मैंने? आई दोबारा बोलो, तुमने क्या बोला? नहीं नहीं, मैं फिर से नहीं बोलूंगी कल्याणी, ये इंग्लिश विंग्लिश ना मेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दो ना। आई देखो ड्रामा बंद करो, बोलो तुमने क्या बोला अभी? मुझे पता है कल्याणी, तुम्हें बहुत शर्म आती होगी ना, मुझे इंग्लिश सिखाने के लिए तुम इतनी मेहनत लेते हो और मुझे तो इंग्लिश के दो शब्द भी बोलने नहीं आते। आई आई प्लीज दोबारा बोलो ना, तुम अभी अभी क्या बोल रही थी तुम? कल्याणी मैं क्या कह रही हूँ, वैसे भी मुझे ऐसे लगता है ये इस उम्र में इंग्लिश सीख के मैं कहाँ जाने वाली हूँ, विदेश थोड़ी ना जाने वाली हूँ, तो छोड़ ही देते हैं। आई खुद को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो और अभी वापस बोलो जो तुमने कहा, अभी बोलो ना। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं तुम जानती हो, बोलो ना। 26 जनवरी। इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, 26 जनवरी। 26 जनवरी को अंग्रेज में क्या कहते हैं तुम जानती हो, बोलो ना। 26 जनवरी। आई 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 आई, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अच्छा तुम तो धीरे धीरे इंग्लिश में भी प्रो बन रही हो। अच्छा सुनो सुनो, हाँ अपर्णा ताई के मोबाइल से कुछ मिला क्या? अरे नहीं ना आई, वो तो आजकल अपना फोन ऐसे अपने पास रखती है ना जैसे जैसे ग्लू से चिपका दिया और छोड़ दिया नहीं है फोन। वैसे ना मुझे ऐसे लगता है पल्लवी के पास वो पीसीओ का बिल होगा जिससे हम संपदा का पता लगा पाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, पल्लवी जब घर के बाहर चली जाएगी ना तो वो बिल ढूंढने की मैं कोशिश करती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ अच्छा सुनो, ये तुम कचरा फेंक रही थी ना तब ये पेपर नीचे गिर गया था। अच्छा। ठीक ना, कोई जरूरी कागज तो नहीं है? हाँ अच्छा। हाँ सर, वो सिक्योरिटी की फाइल मेरे पास ही है, आज मीटिंग में लेता आऊंगा। नहीं आप फिक्र मत कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास ही रहेगी। ये तो मल्हार जी का कोई जरूरी डॉक्यूमेंट लगता है, अगर उनके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं रहा तो उनके सीनियर के सामने उनकी इंसल्ट हो जाएगी। तो सिर्फ एक ही पेपर है, बाकी के पेपर्स कहीं कचरे में तो नहीं चले गए? इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। IMP important document. माफ कीजिए उसे, मुझे यहाँ बैठना नहीं चाहिए था। वो आओ साहब, we'll be right back.
क्या हो रहा था? क्या बड़बड़ा रही थी? वो साहब बैठो बैठो। वो मिर्चियों के साथ जुबान भी रखी है क्या वहां सूखने के लिए? नहीं ना, तो फिर जवाब क्यों नहीं देती? अनुप्रिया, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बोल रही थी ना। यह अंग्रेजी कहां से सीखी?